हमारे बीच में हमारी मुख्य मेहमान राजमाता सुभांगिनी देवी जी मंच पर आसीन हैं। उनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि इस विषय पर अपने विचार हमारे सामने रखेंगे। राजमाता सुभांगिनी देवी से संस्था का बहुत गहरा संबंध है, क्लोज संबंध है। जब भी हम उन्हें प्यार से याद करते हैं, बड़ौदा के किसी भी सेवा केंद्र पर कहीं पर भी प्रोग्राम का आयोजन होता है, वो बहुत प्यार से प्रोग्राम में आती हैं, अपना सहयोग देती हैं और हमारी संस्था की गतिविधियों को हमेशा वो सम्माननीय नजरों से देखते रहते हैं। आज मौका है उनको सुनने का, तो उनको मैं आमंत्रित करती हूँ। राजमाता जी, ओम शांति। आदरणीय राजयोगिनी सरला दीदी जी, आदरणीय राजयोगी ब्रह्म कुमार ब्रजमोहन भाई जी, मंच पर उपस्थित इस सुंदर संस्था के सभी आदरणीय बहनों को मेरा प्रणाम। और आप लोग एक सुंदर और पवित्र कार्य के लिए यहाँ उपस्थित हैं, तो आप सबको भी मेरा प्रणाम। मैं तो आज लगा नहीं था कि मुझे कुछ आज यहाँ कहना था, मैं तो सुनने के लिए आई थी आप लोगों जैसे। बहुत वर्षों से ये ब्रह्म कुमारी संस्था, जिनकी अनेक शाखाएं हमारे शहर में हैं, वे बहुत आत्मीयता से और पवित्रता से अपना कार्य कर रहे हैं। इस कार्य में बहुत शहर के लोगों को उन्होंने साथ में लेके अपने स्वयं के उन्नति के लिए और आत्मा के उन्नति के लिए एक सीख दे रहे हैं। मुझे भी इसका अनुभव है। आज ये गीता के ऊपर सुंदर उद्बोधन हुआ। हम सब जानते हैं गीता का महत्व, और भगवान श्री कृष्ण ने हमको गीता के स्वरूप में एक बहुत बड़ी सीख दी। युद्ध के भूमि पर अर्जुन से बोलते हुए उन्होंने पूरे विश्व को एक सुंदर संदेश दिया है, और यही पुस्तक गीता आज अनेक भाषाओं में पूरे विश्व में लोगों को प्रेरणा देने का काम कर रही है। चाहे कोई भी व्यवसाय में लोग हों, पर गीता का ज्ञान सभी को उपयोगी है। ये खासियत है गीता की, और जो स्वयं भगवान ने जो हम लोग सबको संदेश दिया है इस गीता के द्वारा, वो बहुत ही महत्व के संदेश है। सरल होते हुए भी कभी कभी लोगों के समझ में नहीं आता, लेकिन आपने आज बहुत सरलता से सबको समझाया। हमारे
खुद की शुद्धिकरण, आत्मा की शुद्धिकरण के साथ हमारे आसपास के लोगों का भी हम ध्यान रखें। और जब हमारे देशवासियों को और शहरवासियों को एक पवित्रता का अनुभव होगा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यही पवित्रता एक सभी में फैल जाएगी और हमारे एक बार फिर भारतवर्ष जो आगे आने के लिए हम लोग सब उत्सुक हैं। एक स्पिरिचुअल मैसेज के द्वारा एक स्पिरिचुअल कंट्री करके एक आगे जरूर आएगा। इकोनॉमिक मैसेज और इकोनॉमिक बढ़ाई तो सभी देश चाहते हैं, पर उसके साथ में एक स्पिरिचुअलिटी भी साथ में रहे, ये बहुत महत्व की बात है। और तभी लोगों की उन्नति होगी, उनके मन की आत्मा के ज्ञान से हमारे देश आगे बढ़ सकता है। और इसीलिए हम एक काल था जब भारतवर्ष सबसे आगे देश था। सभी संशोधन इस देश में बहुत बहुत वर्षों पहले हुए थे, जो आज अब आधुनिक युग में अब फिर लोग समझ रहे हैं। तो ये उस समय का फिर, पर उसकी नींव स्पिरिचुअलिटी में थी और वो हम वापस लाना चाहते हैं। इसलिए इस तरह के कार्य सभी के बहुत फायदेमंद होंगे। और आज इस मंच पर जो मुझे सम्मान किया, मैं आप दीदी को बहुत बहुत दिनों के बाद मिली हूँ और उनका हमेशा मेरे साथ बहुत प्रेम रहा है, तो मैं आभार मानती हूँ कि आपने मुझे फिर आज याद किया और यहाँ आपने जो सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। और आप लोगों सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।